शाम कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मिशाली वर्ल्ड्स। आज हम सब जा रहे थे पार्क घूमने के लिए। ये रहा हमारा दक्षु, ये रही आरती दीदी, ज्योति दीदी, नानू, हम सब जा रहे थे पार्क। नानू बता रहा था मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ फ़ोन में। मैंने बोला लाइक करते हो, बोले हाँ सारी वीडियो लाइक करता हूँ। और नानू पूरा रास्ता दिखा रहा था, सॉरी दक्षु हमारे को पूरा रास्ता दिखा रहा था। देखो यहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ से हम जा रहे हैं। बाहर का व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। देखो मैं दिखाती हूँ। पार्क में एंट्री हो गई थी। ये देखो बहुत हरियाली हरियाली हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यार मच्छर बहुत थे, क्योंकि कुछ टाइम से बारिश हो रही थी शायद से, इसके वजह से मच्छर भी बहुत थे। और बहुत पर बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून लग रहा था, क्योंकि बस चिड़िया की आवाज़ आ रही थी और पता नहीं गिटर गिटर का, पता नहीं गिलहरी की आवाज़ आ रही थी, किसकी आवाज़ आ रही थी। नानू दक्षु तो पागल हो गए थे झूले को देख के। ये देखो हम पीछे आ रहे हैं, नानू पहले ही चढ़ गया झूले पे कि मेरे को ये वाले झूले पे जाना है। ये देखो ये, इसे डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है इसको। ये देखो पर हमारा ये दक्षु के मुंह पे खौफ, देखो खौफ बहुत डरता है। इसका डर निकालने के लिए हम इसे झूला झूला रहे थे। यही आई हमारी अब आरती झूलेगी। देखो ये देखो इसने झूला झूल लिया, हम बहुत हंस रहे थे। फिर नानू और मैं, इस साइड मैं थी उधर नानू था, फिर दीदी और हम दोनों झूल रहे थे झूला। मैं मतलब कि दीदी ऊपर नहीं उठ रही थी, अगर मैं उठ रही थी ऊपर तो दीदी नहीं उठ पा रही थी, क्योंकि मेरा वेट कम है और दीदी का ज़्यादा होता है। मैं दीदी को लग रही थी, मैं ऐसे कर रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत हम बहुत हंस रहे थे बहुत, क्योंकि एक दूसरे का वजन हम उठा ही नहीं पा रहे थे। मेरे को कि ज़मीन पर पूरे पैर आ रहे थे और ज्योति दीदी के ज़मीन पर पैर बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं। फिर दीदी ने बोला आ जा तू आ जा, मैंने बोला है भगवान अब मैं कैसे कॉपरेट करूँगी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी, अपनी पूरी कोशिश। ये देखो वो थोड़ा सहारा भी दे रही थी कि मैं उसका वजन उठा सकूँ, पर नहीं हो पा रहा मेरे से बिल्कुल भी। बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। आरती मेरे को सहारा दे रही थी पर मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है, वेट में हो ही नहीं पा रहा था। और ये बंदी इतना हंस रही थी, कुछ कहने को नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसको दया नहीं आ रही थी मेरे ऊपर। मैं पूरी कोशिश कर रही थी, मैं फंस गई थी, बहुत हंसी आ रही थी। देखो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं इसे उठा लेती हूँ, पर नहीं। पर हम नानू को आवाज़ दे रही थी। ये देखो दक्षु भी हमारा मजाक, दक्षु भी बहुत हंस रहा था। दक्षु को हमने फ़ोन दे रखे थे, हम नानू को आवाज़ लगा रहे थे कि नानू चलते हैं आगे। नानू बोल रहा था अब मैं आरती मौसी के साथ झूला झूलूंगा, आरती बोले थी तेरे बस की नहीं है। फिर हम पेट पूजा करने लग गए थे, चाट वाले अंकल मिल गए थे। आरती दीदी पूरी रेसिपी ले रही थी, इसमें क्या डलता है, कैसे डलता है, नींबू कितना डलता है, सब कुछ पूछ रही थी जैसे वो ठेला खोलेगी। तो देखो हम सब देख रहे थे कब हमारी चाट बनेगी। ये भैया ने बना दी थी चाट। के बाद हम चाट खाकर आगे चलने लगे थे। हमने ये ढोकला भी खाया था कोल्ड ड्रिंक पी, पर वो हमने शूट नहीं कर पाए, क्योंकि खाने में मगन थे और बहुत अंधेरा भी हो गया था, दिख नहीं रहा था। फिर हमें दीदी ने बताया आगे वाटर शो भी होता है, वो देखते हैं। तो हमने बोला चलो देखते हैं।
फिर हम जा रहे थे, जगह नहीं थी भाई साहब, पूरा भरा हुआ था, पता है जो कुर्सियाँ थी वो तो सब लोग बैठे हुए थे। बहुत अच्छा शो हो रहा था, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, कलरफुल, बल्कि वहाँ पे हम बैठे थे, फवारा होता है ना पानी का, फवारा हमारे मुँह पे आ रही थी, हल्की हल्की पानी की बूंदें आ रही थी हमारे मुँह पे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत अच्छा शो हो रहा था। ये देखिए वेलकम नोएडा वाला जो है ना, वो पूरा आ रहा था इसमें, पूरा मतलब कि इंडिया का पूरा दिखा रहे थे इसमें, वृंदावन, प्रेम मंदिर, हमारी कला संस्कृति सारा दिखा रहे थे, पूरा पूरा दिखा रहे थे। ये देखो जैसे जब मॉर्निंग में सूरज निकलता है जिस तरीके से पूरा दिखा रहे थे, और पता है पीछे से ना वाटर शो के साथ साथ ना मतलब कि उस चीज़ के बारे में बता भी रहे थे, एक एक चीज़ें बता रहे थे, बहुत प्यारा लगा था। मतलब कि स्पीकर्स लगे हुए थे जहाँ पे हम लोग बैठे थे, वहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए थे, दीदी और आरती को तो जगह नहीं मिलती, आरती मच्छर काट रहे थे, उसका फेस देखो। दक्षु तो मतलब कि वाटर शो देख रहे थे, और ज्योति दीदी और मैं आ गए थे पार्क के अंदर ही, जिम का मतलब कि सामान था, ऐसे जिम्स वाले टूल्स पड़े हुए थे। इस समय भी सब लोग मतलब कि कुछ कुछ लोग थे जो कि वहाँ पे ना जिम कर रहे थे ये, और देखो पहले ज्योति दीदी ने झूला झूला कर रही थी, मैं तो एकदम मस्त कर रही थी, मेरे को कुछ अतरंगी सूझा तो देखो मैं अब एकदम से चेंज कर दूंगी, मैं सोची दोनों पैर से झूल कितनी हूँ मैं, बहुत मज़ा आ रहा था बहुत। फिर हम नानू दक्षु और आरती दीदी के पास जाकर हम चले गए थे, क्योंकि टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा, घर पे जाना था मेरे को जाना था मार्केट, जो हमारे घर पे आते समय जो मार्केट पड़ती है वो मार्केट जाना था, ये रोड पार करना था भाई साहब, बहुत अच्छी लाइटिंग होती, बहुत अच्छी। देखो शाम को जब हम आए थे ना उस समय वो मतलब कि व्यू नहीं था लाइटिंग का, जिस समय मतलब हमने मार्केट में कर ली थी एंट्री, और सब्जियाँ देख रहे थे, जो हमें सब्जी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं थी, बहुत भीड़ हो रही थी, क्योंकि आज संडे मार्केट है तो सब्जी का अलग लगता है, संडे मार्केट अलग लगती है। टमाटर के भाव सुन के तो टमाटर के भाव चल रहता है 210 रुपये जब, बहुत महंगी सब्जी लेने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर मन कर रहा था सब्जी देखो और चलते रहो, देखो बहुत महंगे टमाटर थे, बहुत ज़्यादा रेट सुन के हमारे होश उड़ रहे थे, और मैंने सब्जी खरीद ली थी, ठीक है, और आरती दीदी, ज्योति दीदी, मैं हम सब बात कर रहे थे कि हम ऐसे करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, या फिर दीदी आपके घर पे ना हम ना वो करते हैं, खेती करते हैं, हमारे देखो चल चल के पसीना, हम पसीने पसीने हो गए थे, क्योंकि जाते समय ई रिक्शा से गए थे, आते समय हम पैदल आए थे, हम अपने अपने घर आ गए थे, दीदी और बच्चे सब अपने घर चले गए थे, और मैं अपने घर आ गई थी। आपको आज का व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे शॉर्ट्स भी आते हैं, शॉर्ट्स को भी प्यार दीजिएगा, बाय, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी।